नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। अभी तक कश्मीर फाइल्स पे चर्चा हो रही थी, कोई इसको सही बता रहा था, कोई इसको गलत बता रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिससे 90 के दशक में हुई टारगेट किलिंग का लगता है कि दौर फिर से लौट आया है। आतंकवादी जवानों के साथ कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। आज ही सुबह पुलवामा में आतंकवादियों ने एसपीओ को घर में घुस करके गोली मार दी और हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। कश्मीर में पिछले 24 घंटों में ये दूसरी घटना है और इसके बाद अब घाटी में काफ़ी टेंशन है, काफ़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी और उसके बाद इस समय आप देख रहे हैं कि देश में काफ़ी रोष व्याप्त है। कश्मीरी पंडित की अंतिम यात्रा में पहुंचे बीजेपी के नेताओं को विरोध झेलना पड़ा। कश्मीरी पंडितों ने सड़क जाम करके अपना गुस्सा जताया और वहीं जो अंतिम यात्रा थी उसमें शामिल होने आए बीजेपी के नेताओं को काफ़ी बुरा भला कहा, आड़े हाथों लिया। दरअसल गुरुवार यानी कि कल, जो बीता कल है, आतंकवादियों ने राजस्व विभाग में तैनात राहुल भट्ट को अपना निशाना बनाया था। आतंकवादियों ने उन्हें तहसील ऑफिस में घुस के गोली मारी थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद आतंकवादी फरार हो गए। राहुल भट्ट का बंतालाब में आज सुबह जिस समय अंतिम संस्कार किया जा रहा था उस समय तमाम अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन जब यात्रा में बीजेपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कश्मीरी पंडितों का भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। कश्मीरी पंडितों ने रविंद्र रैना और कविंद्र गुप्ता का घेराव किया और नारेबाजी की। इतने गुस्से में थे वो लोग कि उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। अभी वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, मैं आपके साथ फिर आऊँगी वहाँ के और घटनाक्रम को लेकर के। फिलहाल अपना आप ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मेरा चैनल देखते रहिए। पहली बार अगर आप यहाँ आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी राय मुझे हमेशा देते रहिए। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।